अस्सलाम वालेकुम क्लास, क्या हाल है बॉयज़? ठीक है आप लोग? क्लास शिक्षा में आपकी उर्दू की टीचर। बेटा जी सिर्फ क्लास देखें, पहले तो लो प्रोग्राम देखेंगे, पहले तो लो फिर बोलो। अच्छा जी, डे है जुमेरात 3 सितंबर 2020 रिवियन। नज़म है जी पाकिस्तान, इसके मुश्किल सवाल आते हैं। नज़म पाकिस्तान को देख लेते हैं और हमने तशरीह आप घर में करनी है, तशरीह नज़म पाकिस्तान की। ये देखेंगे क्लास पाकिस्तान, नज़म पाकिस्तान। पहला लफ्ज़ है मुस्काना, इसका मीनिंग है मुस्काना। खलियान अनाज का ढेर, सरफराज बुलंद, महफ मसरूफ, तगोताज कोशिश, सुरखरू कामयाब। अच्छा बेटा जी ये देखेंगे यहाँ पर पोइम में शायर ने अपने जज्बात का इजहार किस तरीके से किया है, ये हम तशरीह में देख लेते हैं और इसके हम पहले एक्सरसाइज देख लेते हैं। एक्सरसाइज है क्लास मुख्तसर सवालात के जवाब दें। अजमत के निगेबानों से क्या मुराद है? वतन के मुहाफिज। कौमी परचम के लिए शायर ने क्या दुआ की है? यह परचम हमेशा लहराता रहे। शायर ने वतन की जिन चीज़ों का की खैर मांगी, इनमें से किसी दो के नाम लिखे, मैदानों निगेबानों। उसके बाद है शायर ने अपने शहबाजों के लिए किन जज्बात का इजहार किया? सुरखरू होने की दुआ की है। मीनिंग लिखेंगे, पहला लफ्ज़ है मुमताज़, अलग, सरफराज बुलंद, महक मसरूफ, मुस्काना मुस्कराना। उसके बाद है जी यहाँ पर मुतजाद लिखने हैं, पहला लफ्ज़ आज़ाद जिसका है गुलाम, नूर का है जुल्मत, निगेबान का गैर निगेबान और आबाद का है वीरान। फिलिंदी ब्लैंक देख लेंगे, तेरी नज़मत के निगेबानों की खैर, गोशा गोशा नूर बरसाता रहे, तू रहे आलम से मुमताज़ है वतन, तेरा परचम यूं ही लहराता रहे, तू रहे आज़ाद है मेरे वतन। ठीक है, उसके बाद है जनाब हमारे पास अलवाए जमा, वाहिद है तो उसके हमने जमा बनाने हैं। पहला लफ्ज़ है वतन, वतन का हो जाएगा ओतान, नूर का अनवार और ज़र्रा का ज़र्रात। उसके बाद बेटा जी कॉलम मैच करेंगे, पहला लफ्ज़ है परचम, परचम का लहराना, नूर बरसना, ज़र्रा मुस्काना, अजमत सरफराजी, खेत खलियान। ठीक है क्लास, उसके बाद देखेंगे हमारे पास हैं इनके लेसन के हमने जुमले बनाने हैं, वो जुमले हम देख लेते हैं पहले क्लास। ये देखेंगे पाकिस्तान, नज़म पाकिस्तान में ज़रा ज़रा मुस्काना, अब पहले इसका मीनिंग लिखेंगे, हर शहर का मुस्कुराना, उसके बाद फिर मेरे वतन का ज़रा ज़रा मुस्कुराता रहे, महव तगो ताज जदोजहद में गुम, ए वतन तो हमेशा महव तगो ताज रहे, नूर बरसाना रोशनी देना, मेरे वतन का ज़रा ज़रा नूर बरसाता रहे, आलम से मुमताज़ है मेरे वतन तो आलम से मुमताज़ रहे। ये तो थे जनाब, हमने इसके मीनिंग देखे हैं, अब हम इसकी तशरीहात देख लेते हैं। तशरीह में शायर ने कैसे कहा, शायर का नाम डॉक्टर साले मोहम्मद ताहिर हैं। पहला बंद, तू रहे आज़ाद है मेरे वतन, तू रहे आबाद है मेरे वतन, तेरा परचम यूं ही लहराता रहे, गोशा गोशा नूर बरसाता रहे, तेरा ज़र्रा ज़र्रा मुस्काता रहे, ए वतन तू झूमता गाता रहे, तू रहे आज़ाद है मेरे वतन, तू रहे आबाद है मेरे वतन। अच्छा जी क्लास ये देखेंगे, इस बंद में शायर अपने वतन को हमेशा आबाद और आज़ाद रहने की दुआ दी है, कि मेरे वतन तेरा झंडा सदा बुलंद रहे और तू फलता फूलता रहे, तेरा हर एक कोना नूर की रोशनी बरसाता रहे और तू जगमगाता रहे, तेरे परचम का हर हिस्सा मुस्कुराता रहे, ऐ मेरे वतन तो हमेशा लहराता और गाता रहे, ऐ मेरे प्यारे वतन तो हमेशा आज़ाद और खुशहाल रहे, ऐ मेरे वतन तू रहती दुनिया तक आबाद और शाद रहे। हर हाल में शायर अपने वतन को खुश व खुर्रम आबाद तरक्की याफ्ता देखना चाहता है, और ये हर शायर की नहीं हर पाकिस्तानी के दिल की ख्वाहिश है कि अपने वतन को हमेशा खुश व खुर्रम और तरक्की याफ्ता देखे, कि इसमें हर तरफ अमन सुकून आबादी खैर हो, तरक्की हो, कामयाबी हो। यही है एक पाकिस्तानी का हक है, यही एक पाकिस्तानी के दिल की सदा है। बंद नंबर दो है, तेरे खेतों तेरे खलियानों की खैर, तेरे बागों तेरे मैदानों की खैर, तेरे शहरों तेरे ऐवानों की खैर, तेरी अजमत के निगेबानों की खैर, तू रहे आज़ाद है मेरे वतन, तू रहे आबाद है मेरे वतन। इस शेर में भी शायर ने बारहा कहा है कि अगर खेत हैं, खलियान हैं, बाग हैं, मैदान हैं, शहर हैं, महल हैं, हर एक जगह पर खुशहाली होनी चाहिए, हर एक जगह पर अमन होना चाहिए, हर एक जगह पर आबादी होनी चाहिए, हर जगह एक जगह कामयाबी होनी चाहिए, तेरी अजमत के निगेबानों की खैर, यानी कि ए वतन तेरी फ़ौज, निगेबान फ़ौज है ना हमारी,
तेरी फौज, तेरे वो सिपाही जो तेरी तेरी हिफाजत के लिए काम कर रहे हैं, उनकी अजमत, उनकी उनकी मेहरबानी, उनकी कामयाबी को लिए दुआ की जा रही है। और हमेशा फिर शायर आखिर में यही कहते हैं कि तू हमेशा आज़ाद रहे, आबाद रहे, और तुझे हमेशा हम हंसता खेलता हुआ मुस्कुराता हुआ देखें। आखिरी शेर है, तू रहे हर दम सरफराज है वतन, तू रहे आलम से मुमताज़ है वतन, तू रहे महवे तगोताज है वतन, सुरखुरु हो तेरे शहबाज है वतन, तू रहे आज़ाद है मेरे वतन, तू रहे आबाद है मेरे वतन। अच्छा जी, तशरीह है। इस बंद में शायर अपने वतन को पूरी दुनिया में मकबूल और मशहूर होने की दुआ देता है कि ऐ मेरे वतन, तेरा मकाम सदा बुलंद रहे, हो तू दुनिया में मशहूर हो, तेरी हिफाजत करने वाले हमेशा कामयाब रहे, और तू पूरी दुनिया में कामयाब रहे, और ये दौड़ धूप हमेशा जारी रहे। ऐ वतन, तू रहती दुनिया तक आबाद रहे, ऐ मेरे वतन, वतन तो हमेशा आज़ादी के साथ रहे। ठीक है, क्लास की देखेंगे, तशरीह याद करेंगे, मीनिंग याद करेंगे, एक्सरसाइज याद करेंगे, जस्ट याद नहीं करना, ये भी देखेंगे कि शेर में, इस नज़म में हमें शायर ने क्या बताया है। जो कुछ शायर के दिल की ख्वाहिश है वो हर पाकिस्तानी के दिल की ख्वाहिश होनी चाहिए, यही हक़ पाकिस्तान है। ठीक है मेरे बेटा, अल्लाह हाफिज़।